उसका जो फेस सिस्टम होता है इसको कहते हैं हम इमल्शन अब यहां बात आती है बिटुमिन इमल्शन की विटमिन इमल्शन में बेसिकली थ्री कॉम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट वन इज इज वॉटर एंड थर्ड इज इमलिफायर ठीक है बिटोमिन क्या है हमारा पहला प्रोसेस जो होता है वो बिटुमिन को हम फाइन ग्लोबल्स में ब्रोक कर लेते हैं फाइन ग्लोबल्स में इसको ब्रोक कर लिया लीजिए कोई भी जा है तो ये जो फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका साइज बेसिकली होता है टू माइक्रॉन्स का ठीक है ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये हो गया सारा वाटर <coughs> ये पार्टिकल्स हैं हमारे बिटोमिन तो बिटोमिन को सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं इनटू फाइन ग्लूबुल्स इनका जो साइज रह जाता है उसके बाद रह जाता है टू माइक्रॉन्स का ठीक है इसमें जो विटमिन होता है प्रेजेंट वो होता है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट विटामिन प्रजेंट होता है ठीक है उसके बाद ये होता है प्रेजेंट वाटर में इसको हम वाटर में मिलाते हैं वाटर में मिलाने के बाद देखो एक टेंडेंसी होती है कोई भी पार्टिकल कोई भी चीज़ सेटल हो जाती है अगर कुछ देर किसी सॉल्यूशन में रहे तो अब मान लीजिए जैसे हमारे पार्टिकल्स हैं विटोमिन के तो इनकी टेंडेंसी रहेगी कि ये सेटल हो जाए ठीक है उस टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं इमल्सीफायर ये होते हैं जीरो बाय वेट ठीक है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू परसेंट इमल्सिफायर हम ऐड करते हैं क्यों ताकि ये जो है ये पानी में उसी पोजीशन में बने रहें जिस पोजीशन में हैं और इस छोटी सी इमल्सीफायर से है वो कोटिंग बना लेते हैं बिटुमिन के चारों तो, बिटुमिन के साइड्स पे कोटिंग बना लेते हैं ताकि जो है बिटुमिन हमारा वाटर से टेम्परेचर से और जितनी देर ये रखा रहे टाइम से कोई उसको अफेक्ट ना पड़े ठीक है बेसिकली इमल्सिफायर का काम यही होता है कि वो जो इमल्शन को है वो बनाए रखता है सो so, इमल्सिफायर का बेसिकली काम क्या रहा एक तो स्टेबिलाईजर का, का काम करता है हमारे जो ग्लोबल्स हैं छोटे छोटे इनको स्टेबिलाईज रखता है ठीक है और उनको सस्पेंडेड फॉर्म में रखा इमल्सीफायर के लिए अगर एग्जाम्पल लो तो क्या ले सकते हैं सोप सॉल्यूशन सोप्स हो गए हमारे कोलोइडल पाउडर हो गया तो बेसिकली ये होते हैं हमारे एमल्सिफायर्स अब बात करते हैं यूज ऑफ इमल्शन विटामिन विटामिन इमल्शन की देखो सबसे बड़ा जो इसका यूज है विटामिन इमल्शन का क्या है ये पैच वर्क रिपेयर वर्क मान लीजिए कोई रोड है रोड के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई यहां पे कोई दिक्कत आ गई तो यहाँ पे जो रिपेयर का काम हो वो विटोमिन इमलशन के थ्रू हम कर सकते हैं स्पेशली इन वेट वेदर स्पेशली इन वेट वेदर तो वेट वेदर में ये इजीली यूज हो सकता है सिर्फ हम इसको अप्लाई कर देंगे जब पानी वेपोरेट हो जाएगा ठीक है तो विटोमिन अपना काम करना शुरू कर देगा ठीक है तो क्या है पैच वर्क और रिपेयर वर्क में यूज कर सकते हैं स्पेशली इन वेट वेदर ये इसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ठीक है सेकंड इसको प्रायर हीट करने की जरूरत नहीं होती जस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे तो इसके मेन ये दो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं क्या है पैच वर्क रिपेयर वर्क में काम आता है स्पेशली इन वेट वेदर और इसको कोई प्रायर हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती और कोई मिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसको सिर्फ डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते कटबैक विटामिन बेसिकली होता क्या है कटबैक विटामिन जब हम विटामिन में कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट या डाइल्यूटेंट मिला देते हैं तब जो विटामिन हमारे पास बन के निकलता है वो होता है कटबैक विटामिन एंड व्हेन वोलेटाइल सॉल्वेंट और डाइल्यूटेंट इज एडेड टू बिटुमेन द फाइनल प्रोडक्ट इज कट बैक विटामिन कट बैक विटामिन बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं जहाँ हमारे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होते हैं तो वहाँ पे हम बार बार विटामिन को हीट नहीं कर सकते बार बार उसको कॉन्टीन्यूस हीट नहीं कर सकते तो क्या है हम उसको पतला कर देते हैं उसकी विस्कॉसिटी को विस्कासिटी को विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं क्यों ताकि वो पतला हो जाए और उसकी एप्लीकेशन रोड पे इजी हो जाए ठीक है बार बार हीट करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज बहुत लगेंगे और जो हमारा विटमिन है वो हम बार बार वेट लूज करना शुरू कर देगा ठीक है तो विस्कॉसिटी हम उसकी डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हमारे जो कट बैक है वो तीन टाइप का होता है रैपिड क्योरिंग क्या है जो फटाफट रैपिडली क्योर हो जाए इसका मतलब क्या है जो इसमें हम डाइल्यूटेंट या सॉल्वेंट मिलाएंगे वो फटाफट इवेपोरेट हो जाए और इवेपोरेट हो जाए तो उसके सॉल्वेंट कौन सा होता है वो गैसोलीन रैपिड क्योरिंग में बेसिकली लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट यूज होते हैं मीडियम क्यूरिंग मतलब उसकी इंटरमीडिएट स्पीड रहेगी ना वो ज्यादा रैपिड होगा ना वो ज्यादा स्लो होगा इंटरमीडिएट स्पीड मतलब कौन से सॉल्वेंट होंगे उसमें कैरोसिन हो गया डीजल हो गया right. तो इसका क्या है मीडियम बॉइलिंग पॉइंट होता है मीडियम पॉइंट ठीक है स्लो क्यूरिंग में जो बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं स्लोली इवेपोरेट करते हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इसमें क्या होते हैं गैस ऑयल्स यूज होते हैं सो so, कटबैक विटामिन क्या होता है वो विटामिन जिसमें हम वॉलीटाइल सॉल्वेंट या डायलूटेंट ऐड करते हैं उसकी विस्क्वासिटी डिक्रीज करने के लिए क्योंकि बहुत कोल्ड क्लाइमेट्स में हम हार्ड विटामिन यूज़ नहीं कर सकते अगर हार्ड विटामिन यूज़ करेंगे तो उसको बार बार हीट करना पड़ेगा जिससे उसका वेट लॉस होगा तो हमारी जो विस्क्वासिटी वे है वो हम डिक्रीज़ करते हैं हमारी ईज के लिए और इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी रहती है रैपिड क्योरिंग हम प्रोवाइड करते हैं तीन uh, टाइप की कटबैक विटामिन होते हैं रैपिड क्योरिंग विटामिन मीडियम क्योरिंग स्लो क्योरिंग रैपिड क्योरिंग जो बहुत जिसका सोलवेंट बहुत uh, फास्ट वेपोरेट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलिन यूज़ करते हैं उसमें इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो, लो होता है मीडियम क्योरिंग के मतलब कैरोसिन और डीजल यूज़ करते हैं मीडियम बॉइलिंग पॉइंट होता है स्लो कीरिंग में हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा ठीक है और गैस ऑयल चूज़ करते हैं स्लो क्यूरिंग मतलब बहुत धीरे धीरे ही वैपोरेट होता है अच्छा अब इसको डिनोट कैसे करते हैं फॉर एग्जांपल स्लो क्यूरिंग की बात करें तो इसकी जो विस्कॉसिटी है वो जीरो से फाइव के बीच में डिनोट करते हैं मान लीजिए एस सी हो गया एस सी अप टू एस सी फाइव ठीक है एस सी जीरो एस सी फाइव का मतलब क्या है जो विस्कोसिटी है वो जीरो से लेके फाइव तक इंक्रीज हो रही है विस्कोसिटी जो है है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही जीरो में मतलब बहुत लेस विस्कस है इट इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्वेंट इस साइड बढ़ रहा है और विस्कोसिटी इस साइड बढ़ रही है मतलब जब विस्कोसिटी बहुत कम है मतलब सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा है उसमें ठीक है सिमिलरली जब विस्कवासिटी बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब सॉल्वेंट बहुत कम है तो उसको डिनोट जीरो से लेके फाइव तक के नंबर्स में हम डिनोट करते हैं एस का मतलब स्लो क्योरिंग हो और जीरो और वन जो है जीरो वन से लेके फाइव तक इसकी विस्कवासिटी uh, डिनोट कर रहे हैं ठीक है सिमिलरली फॉर रैपिड क्यूरिंग आर एंड मीडियम क्यूरिंग एम सी फॉर रैपिड क्यूरिंग एंड एम फॉर मीडियम क्यूरिंग अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है टार्स देखो टार्स क्या होता है टार फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक और वुड टार इस फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड ठीक है ये एक बाय प्रोडक्ट होता है कोक का बाय प्रोडक्ट ऑफ कोक राइट तो फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी अगर कोल है तो क्या होगा वु तो तार. तार जो है वो बहुत कम यूज होता है क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अनडिजायरेबल हैं अकॉर्डिंग टू बिटुमिन इन कंपेरिजन विद बिटुमिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टेम्परेचर सेप्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऊपर से जब हम इसको हीट करते हैं तब ये हार्मफुल फ्यूम्स पैदा करता है जैसे हमने स्लो क्यूरिंग में रैपिड क्यूरिंग में मीडियम क्यूरिंग में बात करी थी कि उनके ग्रेड्स होते हैं जीरो से लेके फाइव तक ऐसे यहाँ पे भी के ग्रेड्स होते हैं वन से लेके फाइव तक वन से लेके फाइव तक जिस वन से लेके फाइव तक और जहाँ जिसमें इनकी विस्कॉसिटी इंक्रीज होती है जो है, से के तक में इंक्रीज होते हैं इनको लिखते कैसे हैं लिखते हैं ये इनके हो गए ग्रेड्स राइट और बेसिकली <coughs> इनकी जो विस्कॉसिटी है वो वन से लेके फाइव तक इंक्रीज करती है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी बहुत बारी पूछा जाता है आर टी वन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है आर टी वन का मतलब क्या है सबसे लो विस्कॉसिटी आर टी फाइव का मतलब क्या है सबसे हाई विस्कॉसिटी लो विस्कॉसिटी है लो विस्कॉसिटी है तो क्या है ये सरफेस पेंटिंग में यूज होता है सरफेस पेंटिंग अंडर कोल्ड वेदर आर टी टू क्या है यह भी यूज होता है इसकी होती है मीडियम विस्कोसिटी मीडियम विस्कोसिटी और ये यूज होता है सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन ठीक है आरटी थ्री क्या है यह भी सरफेस पेंटिंग में यूज होता है बेसिकली लेकिन ये रिन्यूएबल कोर्स में भी यूज होता है फेस पेंटिंग रिन्यूएबल कोर्ट ठीक है फोर्थ है आरटी फोर इसको हम बेस कोर्स के साथ मिलाते हैं प्री मिक्सिंग विद बेस कोर्स और जब फिफ्थ है इसकी क्या है सबसे हाईएस्ट विस्कोसिटी होती है हाई विस्कोसिटी हाई विस्कस ठीक है और इसका जो मेन पॉइंट है ये ग्राउटिंग में यूज होता है ग्राउटिंग में इसका सबसे बड़ा यूज है तो आज हमने पढ़ा विटामिन इमलशन के बारे में कट बैक विटामिन के बारे में और टार्स के बारे में टार्स के बारे में सिर्फ यही है मेन जो पॉइंट्स बनते हैं वो इसी उससे बनते हैं तो आप ये सब रट लीजिएगा डिस्ट्रक्टेडन ऑफ कोल और वुड से बनता है बाय प्रोडक्ट ऑफ कोक होता है टार वुड टार किस से तक ग्रेड होते हैं हैं उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है वो मैंने आपको बता दी इन लेक्चर मिक्स थैंक यू